प्रवर्तन निदेशालय के असिस्टेंट डायरेक्टर निरंजन सिंह के तबादले से विभाग में खलबली मच गई है। पंजाब में 6,000 करोड़ रुपए की नशीली चीज़ों के कारोबार से जुड़े ब्लैक मनी के मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य में अपने मुख्य जांच अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक जालंधर में ईडी के सहायक निदेशक निरंजन सिंह के कोलकाता ट्रांसफर किए जाने के निर्देश शुक्रवार शाम एजेंसी के मुख्यालय से जारी किए गए हैं। सूत्रों ने बताया कि निरंजन सिंह के बाद कुछ और अधिकारी कोलकाता भेजे जाएंगे, जबकि जालंधर में उनके स्थान पर दक्षिण भारत के एक जूनियर अधिकारी तैनात किए जाएंगे। ड्रग्स मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एजेंसी जल्द ही आरोप पत्र दायर करेगी। Well, we are still campaigning. We've been raising this issue for the last 10 years that drugs are completely ruining our state. And now, of course, the Enforcement Directorate had got very much into it. I have not met Mr. Niranjan Singh or any of the officers there, but he was investigating that, as was one of our senior police officers who was my Mr. Hardayal Singh Mann. And obviously, if he's been sent, he's been sent because they probably have some very important work for him to do here. But then there are so many competent officers, somebody will take on his job. All officer उनका transfer हुआ है और कल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में ईडी के जो वकील साहब थे उन्होंने कहा कि ईडी वालों को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और उनको सुरक्षा की मांग की जाए, जिसके बारे में माननीय कोर्ट ने कहा था कि इस बारे में एफिडेविट फाइल करें और ऑल ऑफिसर ट्रांसफर हो जाता है तो ऐसा लग रहा है कि बड़े नेगेटिव सिग्नल्स आ रहे हैं। लगता है कि जैसे बीजेपी और अकाली दिल्ली इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए साथ आ गए हैं और पंजाब के साथ एक बार फिर से विटकरा करने की कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब की जो मेन प्रॉब्लम है ड्रग्स उसको हशप करने की कोशिश कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।